नहीं हुआ सच में देखिए तो कल वाले क्लास में किसी को प्रॉब्लम है कोई पॉइंट में यहां से पढ़े थे सिस्टमैटिक से बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिए थे फिर पढ़ा था अपने टेक्सोनॉमी हाँ व्हाट इज टेक्सोनॉमी बताओ टेक्सोनॉमी क्या है अब अब बताओ व्हाट इज टेक्सोनॉमी बताइए वर्गीकरण विज्ञान क्या है बताइए हाँ आप नहीं मालूम हाँ बताइए आप बताइए हाँ हाँ बोलिए बताइए हम्म पदार्थ नहीं ऑर्गेनिज्म को जीव, को. जीव हाँ पदार्थ को बांटना रहेगा तो केमिस्ट्री में जाएंगे किसमें जाएंगे जब जीव को बांटना रहेगा तो बायोलॉजी में आएंगे बैठ जाइए आप बताइए और क्या बताएंगे टेक्सोनोमी का बताइए हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इसे माना जाता है कैरोलस लिनियस को पहला क्या था कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन उसके बाद क्या था नॉमन क्लेचर का मतलब होता है नामकरण क्या होता है नामकरण ठीक है जब कोई भी चीज को जीव को आप आइडेंटिफाई करते हैं उसका एक नाम रख देते हैं और उसी नाम से पूरी दुनिया में क्या किया जाता है जाना जाता है फेमस हो जाता है, है कि नहीं तो क्या कहलाएगा नमन क्लेचर कहलाएगा उसके बाद आता है बेसिस प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या आया पहला है हमारा द सिस्टम ऑफ नेमिंग टू किसी भी नाम का कितने कॉम्पोनेंट होता है नहीं, होता है कि नहीं तो पहला तो आपका नाम नाम रखा गया हाँ मान लीजिए कोई भी नाम रखा गया राहुल ही नाम रखा क्या नाम रखा तो ये आपका नाम हो गया और इसमें एक और आएगा, आएगा आपका जाति संकेत क्या आएगा जाति संकेत नाम का मतलब क्या हो गया अभी क्या क्लास में इसको तो लड़का का नाम तो सबका जाति संकेत क्या होगा मान लीजिए यहाँ पे सिंह लगा दिया तो किस में आ जाएगा आएगा ना है कि नहीं अब मान लीजिए अरुण यादव लगा दिया क्या लगा दिया अरुण आ प्लस यादव तो किसमें आ जाएगा ये अहिर अहिर कहते हैं अहिर हो गया ना देखिए यहां क्या रहा है सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कॉम्पोनेट इज कॉल्ड जब आप बायोलॉजी के अंतर्गत नामकरण करते हैं हाँ तो हा, उसमें क्या आएगा एक उसका नाम आ जाएगा दूसरा क्या आ जाएगा उसका जाति संकेत आ जाएगा क्या जाएगा जाति संकेत दोस्तों जाति को क्या करेगा डिनोट करेगा इसमें आता है एक पहला आता है आईसीबीएन क्या आता है हेडिंग देंगे आप ऐसे आई सी डी एन कल बताए थे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नॉम क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन देखो ना दिया होगा यहां देखिए यहां से इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेन अब मान लीजिए आपने एक नए पौधे का डिस्कवर किया क्या किया हाँ, आपको शौ, शौक था बॉटनी पढ़ने का क्या पढ़ने का शौक था बॉटनी अपने पादप विज्ञान का अध्ययन किया और उस पर कि हम हाइपोथेसिस करें पीएचडी करें क्या करें जब एक टॉपिक पे आप कम से कम तीन साल लगातार पढ़ेंगे कितने साल हाँ तीन साल में पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है दो साल में पूरा क्या होता है इलेवन कंप्लीट हो जाता है और एक ही पॉइंट और एक ही टॉपिक पर जब तीन साल तक आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा पीएचडी के अंतर्गत आप कुछ जब नया चीज आप डिस्कवर्ड किए या नए पौधे का आपने क्या किया खोज किया तो खोज करेंगे जैसे ही आपने खोज किया तो देखिए पहले क्या करेंगे उसे यहां से पहले क्या करेंगे उसका कैरेक्टर देखेंगे कैसा है ऑटोट्रॉप से या हेटरोट्रॉप से ठीक है या इंसेक्टिवोरस है कुछ पौधे इंसेक्ट को खाते हैं किसको खाते हैं हाँ इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है सांप को खा जाता है या मेढक को खा लेता है पेड़ पौधा हाँ जब ये क्या होते हैं हाँ सांप को नहीं खाते नहीं थोड़ा छोटा वाला रहा था और को भी दिखा देंगे वीडियो में ठीक है फिर आता है आइडेंटिफिकेशन क्या आता है पहले आपने क्या करेगा उसे कैरेक्टराइजेशन फिर उसे आप क्या करेंगे पहचानेंगे आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद उसे क्या कर देंगे आप क्लासिफाई करेंगे या तो आईसीबीएन में रखेंगे या आईसी जेड एन में फिर उसका क्या करेंगे नॉर्मल के नामकरण करेंगे आप क्या करेंगे नामकरण करने के लिए आपको किस में आना पड़ेगा या तो आईसीबीएन में आएंगे या

तो उसका जिसके अंतर्गत तो नामकरण किया जाएगा जिसके अंदर उसका नाम रखा जाएगा वो क्या कहलाएगा आईसी के नाम से जाना जाएगा क्या इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का नामकरण करेंगे ठीक है लिखिए लिख लिया ये लिख लिया बताओ इसका फॉर्म बताओ तो नहीं पता कि क्या लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल निकल नमेन क्लेचर हम्म जब पढ़ो भी नहीं समझ में आता तो पूछो भी नमेन क्लेचर का मतलब क्या होता है व्हाट इज ऑर्गेनिज्म का जब आप नामकरण करते हैं नहीं लोकल भाषा में छठियार लोकल अपने यहाँ नहीं कहते हैं अब लेवल पे क्या कहलाएगा नमेन क्लेच है लोकल आधार पर जीवो का कितना नाम होता है लोक लोकल में जीवो का नाम कितना होता है दो या तीन चारों हो सकता है सबके लिए अलग अलग होता है है कि नहीं है कि नहीं जैसे बाबू सोना हो गया तो निम्बा के लिए सब होता है नहीं होता है <laughs> लिख लिए आगे बढ़ाए अब देखिए <laughs> <laughs> कौन सा था दूसरा हमारा ICJN. ये ये दोनों पॉइंट सेम है ठीक है ये वाला पॉइंट लिखे जी यहां से ये नहीं लिखना है ये भी आप लिख लिए हैं अब देखिए क्या है आईसीजेडन था ना बॉटनिकल यूज़ फॉर द रूल्स टर्म्स एक मिनट रुक जाइए जंतुओं का नामकरण करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे आईसी के अंतर्गत किसके अंतर्गत फूड फॉर्म क्या हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर ठीक है और पादप के लिए क्या करेंगे जुलेशन ये पॉइंट नहीं लिखना है ये दोबारा टाइप हो गया है ठीक है अब बॉटनिकल की तरह जुलॉजिकल कर दीजिए ठीक है जुलॉजिकल नेम्स आर यूज्ड ऑन द रूल्स इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉट जूलॉजिकल नॉम्क्लेचर बॉटनिकल नहीं करना है बॉटनी आप पहले लिख चुके हैं ऊपर ये वाला नहीं लिखना है पॉइंट नहीं लिखिएगा ये लिख लिए हैं बस ये वाला पॉइंट लिखना है जुलॉजिकल जुलजिकल आर यूज ऑन द रूल्स इन इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेंट ले आगे बढ़ाए केवल ये पॉइंट लिखिएगा ये ऊपर तो लिखा है दोबारा भी लिखा है टू कंपोनेंट का नोमेनक्लेचर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया आप बताइए किसके द्वारा कैरोलस लिनियस के द्वारा किसके द्वारा हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस द बुक इज रिटन बाय कैरोलस लिनियस इज तो नहीं पता है हटा इसे लिखनी है बता देते हैं होगा उसमें देखिए देखिए यहाँ सिस्टम नेचर अब पूछो इतना में किसी को प्रॉब्लम है अभी अभी ये क्लास में यहां से कोई बात नहीं लिख लेना इसमें पूछिए किसी को प्रॉब्लम है यहां से कोई पॉइंट जो ऐसा समझ में नहीं आया आपको दोबारा रिपीट कर दें क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी देखिए तो क्लासिफिकेशन क्या है इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी जैसे कि टैक्सा हो गया जैसे हमने गेहूं का लिया किसका लिया गेहूं लिया धान लिया हाँ, कैट लिया डॉग लिया ह्यूमन लिया तो ये सारे क्या एक टेक्सा के अंतर्गत आ गया केवल एक गेहूं है तो गेहूं का डोनेट करेगा धान है तो किस करेगा धान को डोनेट करेगा जब हम बंटवारे के लिए दिया तो आपने उसे क्या कैटेगरी में क्या कर दिया बांट दिया और टेक्सोनोमी क्या किया आपको ये क्या है जीव विज्ञान का एक ब्रांच है क्या है जीव विज्ञान का क्या है, है ये शाखा है जिसके अंतर्गत अब जितने भी प्रकार के इस धरती पर ऑर्गेनिज्म है तब या क्या करते हैं क्लासीफाई करके उसे क्या करते हैं अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा या हिंदी होता है इसका वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है ठीक है अब देखिए अब जैसे ही आपने आपको बांटने के लिए दिया क्या दिया क्लासिफिकेशन करने के लिए तो पहले आप सब गुण देखेंगे. हाँ, देखेंगे कलर देखेंगे उसका हैबिटेट देखेंगे रहन सहन आवास उसके आधार पर क्या कर देंगे

तो आईसीबीएन में आप किसका नाम करेंगे करेंगे पेड़ पौधों का इसमें किसका करेंगे जंतु यानी जानवरों का किसका करेंगे ये 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 लिख रहा था समझ गया ये वाला पॉइंट जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का नामकरण करेंगे करेंगे वो क्या कहलाएगा आईसी जेडन कहलाएगा हाँ और पादप का नामकरण करेंगे तो आईसी बियान बी समझिए बॉटमी जी से क्या हो गया जिलोजी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान ठीक है तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा बॉटनी कहलाया आया आज जब एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कला जुलोजी तो को टर्न क्लेचर आए तो आईसी जेड एन में आ गया सॉरी एनिमल और पादप पादपाए किसमें आ गया आईसीबीएन इंटरनेशनली आया पूरे ऑल ओवर जो नाम रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या जाएगा एक जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं आई यूपीएससी क्या पढ़ते हैं आई यू टी ए सी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है इसका यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री अगर आप इंडिया में इंडिया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के कहा बासोपट्टी में एच टू ओ पढ़ रहे हैं वाटर का फॉर्मूला हाँ तो चाइना में भी क्या पढ़ेंगे एच टू ओ ही होगा अमेरिका में भी क्या पढ़ेंगे और पाकिस्तान में आ, क्या देखिए क्या होगा एच टू ही पढ़ा जाएगा तो जाए। क्या कह रहा है देखो द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमलचर किसके द्वारा दिया गया था इधर आइए आप देखिए क्या है यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमियल नोमलिएचर अब देखिए जैसे कि नामकरण करते हैं क्या करते हैं तो कुछ रूल रेगुलेशन होगा ना कैसे ही नाम रख दिया किसी का कुछ पहले देखता है ऑब्जॉर्व करता है करेक्टर देखता है तब जाके उसका क्या कर देता है तुम नामकरण करता है देखे देखे होता है पहले सोच लेता हूं पंद्रह बीस साल पांच साल पहले देखो देखो क्या है यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमियल नॉमेन क्लेचर ठीक है यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया जो पूरी दुनिया में एक समान होगा

अंडरलाइन कर देंगे ठीक है फिर दूसरा कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इज जीनस पहला क्या होगा जीनस नेम होगा या जैमिक नेम कौन सा होगा? साकेंड वर्ड इज द एसवेज नेम दूसरा क्या होगा जाति संगीत बताए थे ना पहला हो गया जीन का नाम जैसे मान लीजिए एस्परिया राय बच्चन हो गया हो गया क्या तब बच्चन क्या हो गया उसका एसवेज हो गया पहला उसका क्या हो गया अब देखिए खानदान क्या आया पहले तो उसका अपना खानदान था राय से आया आखिर किस में आ गई बच्चन खानदान से आई ज्वाइंट होगी बाद में देखियो तो क्या कह रहा है स्पेसिफिक नेम या, जेनरिक नेम नेम या फिर कह रहा है किसका नाम है मानव को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है होमोसेपियंस कहा जाता है क्या कहा जाता है होमोसेपियंस हाँ जैसे हम तो मनुष्य कहलाते हैं ना है कि नहीं तब अजीब विज्ञान आपको क्या मानता है होमोसेपियंस मानता है क्या मानता है तो होमो रिप्रेजेंट द जीनस हमारा आपका जीनस क्या है होमो है एंड नेम एंड द स्पीशीज रिप्रेजेंट द स्पीशीज नेम और सेपियंस किसको दर्शाता है स्पीशीज नेम को दर्शाता है फिर आता है जब जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर जो आपका पहला नाम आप जैसे हम कोई नाम ही लिखते हैं आप मान लीजिए कोई भी नाम लिखे जैसे राहुल ही लिखा मान लो तब पहला ले, लेटर क्या लिखते हैं आप कैप्टन लिखते हैं ना उसके बाद क्या लिखते हैं लिखते हैं तो तो देखिए पहला जब आप जीनस नाम लिखें, क्या लिखेंगे द जीनस नेम स्टार्ट विद द लेटर एंड द दीज नेम स्टार्ट विद द विदॉल लेटर फिर दूसरा नाम जब आप स्पेसीज नाम जब लिखेंगे उसी में तो देखिए तो, तो पहला क्या हो जाएगा दूसरा एसमॉल हो जाएगा तो देखो यहां पे होमोसेपियंस है होमोसेपियंस क्या है स्पेसिज नेम है तो एच क्या है आपका और एस क्या है स्मॉल है अब जब इसे हैंड रिटर्न लिखेंगे तो क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे क्या कर देंगे हाँ अब देखिए नेम फॉर द अदर एपर्स इन द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम जैसे क्या है मैंजीफेरा इंडिका क्या आया मैंजीफेरा इंडिका ये आम का नाम होता है आम का नाम क्या है मैंजीफेरा

है कि नहीं अब <laughs> नया नया शादी होता है कि नहीं तो पुराना वाला आईडी से तो डिलीट हो गया अपना जो बाबू सुना हो गया सब खत्म हो गया अपना अब जो नया आईडी डी बनाएगा उसमें लड़का अपना नाम जोड़ देगा तो कोई बात नहीं तैयो जोड़ा जाता है तब समझ लीजिए सरकारी नौकरी में चल गया होगा इसलिए हो गया नहीं तो नहीं होता है समझ गए देखिये आप मान लेते कुछ नाम है मान लीजिए बॉबी नाम है क्या नाम है Bobby, तो लिखा है ना बॉबी राहुल या जो भी जाति संघ लिख देगा वो बॉबी फिर राहुल देखने को मिलेगा गाँव देहात में साथ देख सकता है तो उसमें लड़का का भी नाम रहेगा और लड़की का नाम रहेगा ठीक है? तो है मतलब जिसने नाम खोजा और यहां देखो लीन फिर कंफ्यूज कि लीन क्या है येरोस का शॉर्ट टर्म है उसने क्या किया था दुई नाम पद दिया क्या किया था खोज किया था डिस्कवर्ड किया था अब जो क्या कह रहे हैं इट इंडिकेट दैट द दीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैरोलस लेनियस क्लियर कोई दिक्कत इतना में लिखो यहां से <laughs>